उधर फतेहपुर सीकरी में तुर्की सुल्ताना हाउस में सेल्फी लेना एक फ्रांसीसी महिला को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के लिए ऊंची इमारत पर फ्रांस की महिला चढ़ी थी, जहां से वो गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट से पता चला है कि एम्बुलेंस एक घंटे देरी से भी पहुंची थी। महिला 20 लोगों के एक समूह में भारत घूमने आई थी। महिला इमारत में रेलिंग के सहारे खड़ी थी। कमजोर लकड़ी की रेलिंग के कारण वो नीचे गिर गई। सिर में चोट लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। हमें भी जानकारी इसको दूरभाष पे दी गई यहाँ के इंचार्ज के द्वारा, और उसके अलावा कुछ पत्रकारों के भी फोन आए कि इस तरह का एक हादसा हुआ है। कुछ समाचार पत्रों ने ये जानकारी दी कि रेलिंग संभवतः पहले से टूटी हुई थी या ढीली थी। जितनी अन्य रेलिंग है उन सब का एक एक बारी से निरीक्षण किया गया। चूंकि जो रेलिंग लगाई गई है वो फिक्स नहीं की गई है, वो मॉन्यूमेंट सरफेस पे है, तो उसके नीचे पत्थर की ठेवी लगा करके उसी में फिक्स की गई है। साइट के जो दोनों पिलर हैं उनके आसपास लकड़ी की खपच्चियां लगा करके उसको थोड़ा सा टाइट किया गया है ताकि हिले नहीं या गिरने की संभावना कम हो जाए। बहुत ही दुखद घटना है, इसके एक हम लोग मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी करवा रहे हैं किस तरह की घटना कैसे घटी, और आगे चलकर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए फतेहपुर सीकरी में और भी क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से देखना है। आगे जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जो डिसीजन है उस पर अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक के अंदर एक विदेशी महिला की गिरकर दर्दनाक मौत हो जाती है। दरअसल विदेशी महिला पर्यटक फ्रांस की रहने वाली थी, एहसाना थी, जो कि आज फतेहपुर सीकरी में घूमने आई हुई थी, जो कि तुर्की सुल्ताना महल के ऊपर लगी रेलिंग से नीचे झांक रही थी। अचानक रेलिंग टूट जाती है और महिला पर्यटक नीचे गिर जाती है, जिनको आनंद फानन में एएसआई के कर्मचारियों द्वारा आगरा के हॉस्पिटल रेनबो में रेफर कर दिया जाता है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। आगरा डीएम ने आदेश किए हैं कि ये आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे रही और किस तरीके से इस महिला की मौत हो गई है।